नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। डिवाइडर से टकराए दो युवकों की मौत, पुलिस दो लुटेरे को मुंबई से गिरफ्तार कर नागपुर लाई, सीआरपीएफ कर्मचारी की पत्नी के गहने चोरी। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। दो स्थानों पर हुए सड़क हादसों में दो युवकों की मौत हो गई। इनमें एक 15 अगस्त के मौके पर मित्रों के साथ घूमने जा रहा था, जबकि दूसरा नशे की हालत में मित्र को छोड़ने दफ्तर जा रहा था। घटित प्रकरणों को हुड़केश्वर और धंतोली थाने में दर्ज किया गया। गोंदिया जिले के नवरगांव वर्तमान में नागपुर निवासी आशीष बलिकिशन तावड़े था। वह निजी काम करता था। 15 अगस्त के मौके पर उसके मित्रों के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया था, जिससे दोपहर 2 बजे आशीष अपनी मोटरसाइकिल से तुकड़ोजी पुतला चौक से बेसा की तरफ जा रहा था। इस दौरान किसी मोटरसाइकिल चालक ने आशीष को ओवरटेक करने के चक्कर में टक्कर मार दी। आशीष के भी वाहन की रफ्तार तेज होने से वह डिवाइडर से टकरा गया, जिससे उसे गंभीर चोट लग गई। उसे मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां सोमवार की सुबह उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा हादसा धंतोली थाना अंतर्गत हुआ है। बड़कस चौक महल निवासी अभिषेक देव सिन्हा ठाकुर एक रेडियो चैनल में रिसेप्शनिस्ट था। उसकी पत्नी लक्ष्मी निजी अस्पताल में नर्स है। अवकाश का दिन होने से रविवार को अभिषेक ने जमकर शराब पी। इस बीच संतोष नामक किसी का अभिषेक को फोन आया। उसने बारिश होने के कारण ऑफिस में छोड़ने के लिए कहा। रात 12:15 बजे वह घर से बाहर निकला। इस बीच FCI गोदाम के पास अभिषेक संतुलन खो बैठा और अपने दोपहिया से सड़क डिवाइडर से टकरा गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल अभिषेक की मौत हो गई। दूसरी खबर, अंतर्राज्यीय स्तर पर आपराधिक घटनाओं में सक्रिय 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें मुंबई से नागपुर लाया गया। आरोपियों से आधा दर्जन घटनाओं का खुलासा हुआ है। मानकापुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। हजारी पहाड़ सरोज नगर निवासी राहुल मोतीलाल टहलियानी जज का भतीजा है। 4 अगस्त को दिन में 11 बजे राहुल अपनी मां को लेकर मानकापुर चौक स्थित निजी अस्पताल में उपचार के लिए गया था। इस दौरान राहुल ने अपनी कार अस्पताल के पास खड़ी की थी। किसी ने कांच फोड़कर कार से बैग चोरी की। बैग में लैपटॉप और महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। घटना के तत्काल बाद पुलिस ने परिसर में लगे CCTV कैमरे खंगाले। प्रकरण को अंजाम देते हुए संजय उद्धव दास कल्याण मुंबई और S पलाती कुमार सुब्रह्मही मुलत तमिलनाडु वर्तमान में मुंबई निवासी कैद हो गए। तीसरी खबर, रिश्तेदार के घर जाने के लिए CRPH गेट के पास से ऑटो में सवार CRPF कर्मचारी की पत्नी के सोने के गहने चोरी हो गयी। घटना सीतावर्डी थाना अंतर्गत की है। गहने की कीमत करीब 1,70,000 रुपए बताई गई है। ऑटो में पहले से बैठी 3 महिलाओं पर चोरी करने का संदेह है। पुलिस के अनुसार प्लॉट नंबर 23 पांडुरंग नगर हिंगना निवासी माधुरी वाटकर ने सीतावर्डी थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। उसने पुलिस को बताया कि उसका पति सुनील वाटकर CRPF में नाई के पद पर कार्यरत है। वह 14 अगस्त को नागपुर अपने रिश्तेदार के घर जाने के लिए निकली। दोपहर करीब 2:20 पर SRPF गेट के सामने एक सवारी ऑटो में बैठी। ऑटो में पहले से 3 अज्ञात महिलाएं बैठी थी। उसके साथ एक 26 वर्षीय युवक भी बैठा था। जब माधुरी ने ऑटो रोका तो वह युवक पीछे की सीट से उतरकर चालक की बगल में जा बैठा। माधुरी और 3 महिलाएं पीछे की सीट पर बैठी थी। इस बीच माधुरी के पर्स से सोने के गहने चोरी हो गए। यह बात माधुरी को तब पता चली जब वह शंकर नगर चौक स्थित मेट्रो रेलवे स्टेशन के पास उतरी और अपने पर्स की जांच की। तब तक ऑटो जा चुका था। माधुरी ने सीतावर्डी थाने में शिकायत दर्ज कराई और शक जताया कि ऑटो में सवार करने वाली 3 महिलाओं ने चोरी की है। सीतावर्डी पुलिस जाँच कर रही है। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाई इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।